प्यार की एक नई कहानी विवाह पार्ट 3। टेस्ट के बाद डॉक्टर बोलते हैं, ये तो चमत्कार हुआ है आपके साथ, आपका अपेंडिक्स तो सूख के फूट चुका है और खत्म हो चुका है, अब आपको कोई खतरा नहीं है। ये सुनकर गोपाल बहुत खुश हो जाता है और रीमा को सब बताता है। रीमा बहुत इमोशनल हो जाती है, मानो जैसे वो खुद मौत के मुंह से वापस आई हो। गोपाल उसे समझाते हुए कहता है, अब क्यों रो रही है पगली, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ना, अब चुप हो जाओ। तभी रीमा अपने दिल की बात छुपा नहीं पाती। चुप करो तुम, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, रीमा ने रोते हुए कहा। तभी गोपाल ने रीमा से कहा, तुम्हारा क्या होता, तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती। किसने कहा तुमसे ये सब, मैं भी प्यार करती हूँ तुमसे बहुत ज्यादा। इतना बोलते ही रीमा चुप होकर सोचती है कि ये उसने क्या बोल दिया। फिर वो शर्मा कर फोन काट देती है। कुछ ही दिनों में गोपाल का जन्मदिन आने वाला था, लेकिन उससे पहले रीमा के घर वालों ने रीमा और गोपाल की दोस्ती बढ़ती देख उन दोनों की बातचीत बंद करवा दी। लेकिन रीमा छुप छुप के गोपाल से बात करती थी। रीमा को ये एहसास हुआ कि एक दोस्त के खातिर उसने अपने परिवार से झूठ बोला और शायद उसके मन में भी गोपाल के लिए प्यार आ गया है। उसने गोपाल से ये बात बताने को सोची, पर वो खुद उलझन में थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। गोपाल का जन्मदिन आया, तब उसके जन्मदिन के दिन रीमा ने उसे अपने दिल की बात इशारों में बताई। गोपाल, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, वो मुझे तुमसे मिलने का, तुमसे बात करते रहने का बहुत मन करता है। तुम्हारे बिना ऐसा क्यों लगता है कि मैं अधूरी हूँ या अकेली हूँ, तुम्हारे बिना बहुत उदास रहती हूँ मैं। ये सब सुनकर गोपाल ने हंसते हुए कहा, क्यों रीमा, तुम तो कहती थी कि तुम्हें कभी मुझसे प्यार नहीं होगा। अब रीमा समझ गई कि उसे गोपाल से प्यार हो गया है, वो बाद में बात करेगी, ये बोलकर उसने फोन काट दिया। 3 दिन बाद रीमा ने हिम्मत करके गोपाल को अपने दिल की बात बताई। गोपाल, मुझे कुछ कहना है। आई लव यू गोपाल, आई लव यू टू रीमा, गोपाल ने कहा। आप ये दोनों बहुत खुश रहते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, वो प्यार ही क्या जो बदनाम ना हो। रीमा और गोपाल की दोस्ती के चर्चे उन दोनों के रिश्तेदारों तक पहुंच गए थे। रीमा के घर वाले रीमा को बहुत परेशान करने लगते हैं, लेकिन वो भी हार मानने वाली लड़की नहीं थी। जिसे दिल से चाहती थी उसके लिए जान भी देने वाली थी वो। फिर गोपाल तो उसकी जिंदगी था। वो अपने घर वालों को समझाती थी, पर वो लोग नहीं मानते थे कि वो दोनों गलत नहीं हैं। फिर रीमा ने घर वालों से छुपाकर गोपाल से बात करने का फैसला लिया, क्योंकि वो गोपाल से बहुत प्यार करती थी और वो गलत नहीं थी। अब ये हर रोज का सिलसिला हो गया था। यहाँ रीमा के घर वाले और वहां गोपाल के घर वाले दोनों को बहुत सुनाते रहते थे। उन दोनों के बीच कुछ गलत नहीं था, पर फिर भी दोनों को बहुत बदनामियों का सामना करना पड़ा। आखिर सहन करने की भी एक हद होती है। रीमा अब तंग आ चुकी थी इन सब से। रीमा अपने परिवार वालों को बताने ही वाली थी कि वो गोपाल से प्यार करती है, लेकिन इससे पहले ही इन दोनों की बातें घर वाले सुन लेते हैं। इसके बाद रीमा माफी मांगकर अपने मम्मी पापा से उसकी और गोपाल की शादी की बात करती है। आखिर कब तक छोटी बदनामी में जिएंगे हम लोग, इससे अच्छा आप लोग मिलकर हमारी शादी करवा दीजिए, इससे समाज में हमारी कोई बदनामी भी नहीं होगी। रीमा की ये बात सुनकर उसके घर वाले भड़क जाते हैं। उन्हें गोपाल सिर्फ तब तक पसंद था जब तक वो उनकी ख्वाहिशें पूरी करता था। गोपाल रीमा के घर वालों की बहुत इज्जत करता था, उन्हें कोई चीज पसंद आती थी तो वो ला के देता था। तब तक वो सबको पसंद था कि हाँ, ये तो हमारे बेटे जैसा है।
और वही बेटा उनको तब नापसंद था जब वो उनकी बेटी से प्यार करता था, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, अच्छी पोस्ट पर नहीं था, अमीर नहीं था। रीमा के घर वालों को अमीर लड़का चाहिए था जो रीमा के शौक पूरे करे, लेकिन रीमा को ऐसा लड़का चाहिए था जो उसे खुश रखे, सुकून दे, ना कि पैसे और गहने। रीमा के घर वालों ने रीमा और गोपाल की शादी के लिए साफ इनकार कर दिया था, फिर भी रीमा उन्हें मनाती रही। रीमा का अपने घर से निकलना तक उन लोगों ने बंद करवा दिया था, उसका किसी से भी बात करना बंद हो गया। फिर भी रीमा बहुत रोती थी और सबको मनाने की कोशिश करती थी। यहाँ गोपाल का रीमा से बात किए बिना बुरा हाल था। उस वक्त गोपाल अपने दोस्त के घर पर रहने लगा था, क्योंकि उसका काम में मन नहीं लगता था। उसे लगा था कि अब वो और रीमा कभी एक नहीं हो पाएंगे, लेकिन गोपाल का दोस्त उसे हमेशा हिम्मत देता रहा। इधर रीमा भी बहुत बेचैन थी गोपाल को देखने के लिए। एक दिन चुपके से उसने गोपाल से बात की और उससे कहा, गोपाल अब हम क्या करेंगे, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। गोपाल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं भी नहीं रह सकता रीमा तुम्हारे बिना, गोपाल रोते हुए बोलता है। रीमा गोपाल को समझाते हुए और रोते हुए कहती है, शायद हमारी यही किस्मत है गोपाल, हम एक नहीं हो पाएंगे। ये सुन के गोपाल को जैसे सदमा लगा हो, रीमा फोन काट देती है, लेकिन अपने दिल को नहीं समझा पाती। रीमा की ये बातें सुनकर गोपाल का दिल टूट जाता है। यहाँ रीमा भी खुद को संभाल नहीं पाती, लेकिन वो एक बार फिर अपने परिवार की खुशी के बारे में सोचती है। अब क्या था, इन दोनों की जिंदगी में ब्रेक लग चुका था, दोनों जैसे थम से गए थे। रीमा की तबीयत बहुत खराब रहती थी, फिर भी उसका परिवार एक बार भी उससे उसका हाल नहीं पूछता। रीमा ना खाना खाती थी, ना कहीं बाहर जाती थी और ना ही किसी से कुछ बोलती थी, लेकिन फिर भी उसके घर वाले खुश थे, क्योंकि गोपाल और रीमा अलग हो चुके थे। उन लोगों के लिए रीमा की खुशी से ज्यादा अपनी इज्जत और खुशी प्यारी थी। रीमा चुपचाप ये सब देखती रही। जिस परिवार के खातिर उसने अपना प्यार कुर्बान किया, उस परिवार को उसकी पड़ी ही नहीं। अब रीमा इन मतलबी लोगों के लिए अपने गोपाल को दुख नहीं दे सकती थी। उसे लग रहा था कि उसने गोपाल को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता, और उसे मिला तो वो भी उसने उस मतलबी परिवार के लिए कुर्बान कर दिया। माँ बाप एक बेटी को जन्म दे सकते हैं, लेकिन उसका नसीब और उसका कर्म वो खुद लिखवा कर आती है। रीमा उसी वक्त वापस गोपाल को फोन लगाती है और दोनों मिलकर एक फैसला लेते हैं कि रीमा और गोपाल का फैसला क्या है। इस सवाल का जवाब मिलेगा कहानी के अगले पार्ट में, जानने के लिए जरूर देखें।